हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन ट्रस्ट में। ट्रस्ट में के लास्ट पार्ट में आप सभी ने सुना कि पूजा कहती है, यार मैंने तो सोचा था तुम बोगे चॉकलेट वगैरह लेके आओगी और मुझे मनाओगी, लेकिन तुम तो इस तरह मुझे मना रहे हो, मैं नहीं आ रही, ये चीटिंग है। तो अक्की हंसती है, कहती है ओहो, तो तुमने ये सोचा था। सॉरी यार पूजा, देखो मैं इन मामलों में ना बहुत कच्ची हूँ, मुझे ये सब आता नहीं है, तुम्हें मेरा पहला प्यार हो। पूजा कहती है बस यार, एक ही बात कितनी बार बताओगी, कितना इरिटेट करोगी एक ही बात के लिए। तो अक्की बिल्कुल चुप हो जाती है, आगे वो कुछ नहीं बोलती। तो कहती है चलो क्लासरूम में चलते हैं। पूजा कहती है हाँ चलो, ये कह के पूजा आगे निकल जाती है और सॉरी अक्की उसके पीछे पीछे। जॉर्डन बीच में ही अक्की का हाथ पकड़ के उसे खींचते और कहते हैं क्या बात है, बड़ी जल्दी पटा लिया। तो अक्की कहती है हाँ पटा तो लिया, क्या हुआ तुम्हारा मूड ठीक नहीं लग रहा। अक्की कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं, क्या बात है बताओ। नहीं सीरियसली ऐसा कुछ नहीं है, देखो अक्की इतना तो मैं भी तुम्हें जानती हूँ कि बिना किसी बात के तुम्हारा मुंह ऐसे नहीं उतरा होगा। फिर से पूजा ने कुछ किया। तो अक्की कहती है यार जॉर्डन मुझे समझ नहीं आता, उसका बिहेवियर कुछ अजीब ही बिहेवियर है जो मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। जब दो लोग प्यार करते हैं उसमें से एक अपने प्यार का इजहार सामने वाले से करता है ना, तो उसे खुशी होती है, वो प्राउड फील करता है, उसे ऐसा लगता है कि वो सबसे लकी इंसान है इस दुनिया का। लेकिन पूजा से जब भी मैं अपने प्यार का इजहार करती हूँ वो कभी सही से जवाब ही नहीं देती है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आता, बल्कि हमेशा उसके चेहरे पे एक इरिटेशन, एक फ्रस्ट्रेशन देखती हूँ और ये अब ज़्यादा होने लगा। पहले नहीं होता था लेकिन कुछ दिनों से देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा लगता है वो। जॉर्डन कहती है यार पूजा केयरलेस है, ये तुम्हें भी पता है, डोमिनेटिंग है, केयरलेस है, बहुत सारी चीज़ों पे वो ध्यान नहीं देती, नहीं समझ पाती है कि उसके किस बिहेवियर से, किस बातों से किसको कैसा लगता है। धीरे धीरे तुम शायद उसे ये सब पे सिखा दो, बट तब तक तो तुम्हें उसके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, इतने टाइम में तुम उसे इतना तो समझ गई होगी। तो कहती है समझ तो गई हूँ लेकिन कुछ चीज़ें ना ऑटोमेटिक होती हैं जॉर्डन, और पूजा के साथ ये वाइब मुझे ऑटोमेटिक आती है, ना चाहते हुए भी आती है। मुझे खुद को समझ नहीं आता कि मैं इतना इनसिक्योर क्यों हो जाती हूँ। देखो एक बात तो है ना, वो तो मैं चाहती बहुत है, बस उसके प्यार करने का तरीका अलग है, तुम्हारी तरह मैच्योर नहीं है, तुम ज़्यादा मैच्योर हो, वो तुम्हारी एज के हिसाब कम मैच्योर है, बस इसलिए वो ऐसा बिहेव करती है। जॉर्डन अक्की को समझाती है, अक्की कहती है चलो ठीक है इधर। धीरे धीरे वक्त बीतता है, एक दो हफ्ता बीतता है ठीक ठाक पूजा और इसके बीच में, और उसके बाद पूजा फिर से इसे इग्नोर करने लगती है। इस बार अक्की बहुत परेशान होती है, इग्नोर इन द सेंस मॉर्निंग में कभी अगर रात में घर रुकी है, मॉर्निंग में अगर अक्की ने कुछ कह दिया तो गुस्सा हो जाना, इरिटेट हो जाना, बात ना करना। कॉलेज में भी ज़्यादातर बाकी ग्रुप्स के साथ टाइम स्पेंड करना, बिना बताए पार्टीज में चले जाना और आने के बाद एक अजीब सी सफाई देना जो अक्की को हजम ही नहीं हो रहा होता। एक दिन अक्की काफ़ी नाराज़ होती है और पूजा लेट नाइट पार्टी करके घर आती है अक्की के पास। अक्की पूजा का वेट कर रही होती है,
वो जैसे ही आती है अक्की उठती है और कहती है सो जाओ काफ़ी रात हुई है। पूजा उसके पास आती है और कहती है अक्की यार मुझे पता है तुम्हें मेरे पार्टीज करना पसंद नहीं है। तो अक्की कहती है पता हो कि क्या हो जाएगा, कौन सा तुमने मेरी बात मान ली है या तुम पार्टी करना बंद कर दोगी, होने तो कुछ नहीं है। तो फिर क्या इस बारे में इतना सोच रही हो, बस सोचो तुम्हारा जो मन में आता है तुम वही करती हो और तुम वही करोगी, इतना मुझे भी पता है। तो इस बारे में जितना कम सोचा जाए उतना अच्छा है। ये कह के अक्की अपने रूम में जाने लगती है तो पूजा उसे पीछे से पकड़ लेती है, कहती है आई एम सॉरी, आई प्रोमिस यू मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगी, मैं कोई पार्टी नहीं करूँगी, कुछ नहीं करूँगी, ये मेरा प्रॉमिस है तुमसे, पक्का वाला प्रॉमिस, आज के बाद कोई पार्टीज नहीं होगी, हम जहाँ भी जाएंगे दोनों साथ में जाएंगे और एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे। अक्की पूजा की तरफ देखती और कहती है आर यू सीरियस, तो कहती है यार मैं कसम से कह रही हूँ मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती, रात रात भर तुम मेरा इंतज़ार करती हो और मैं हर बार तुम्हें नेगलेक्ट कर देती हूँ, आज ये बात मेरे फ्रेंड्स ने मुझे जब समझाई तब मुझे रियलाइज़ हुई कि मैं तुम्हारे साथ कितना गलत करती हूँ, आई एम सॉरी, आइंदा से ऐसा नहीं होगा, आई प्रोमिस यू। तो अक्की पूजा से कहती है अगर ऐसा है तो यकीन मानो मुझसे ज़्यादा कोई खुश नहीं होगा, बट अक्की तुम तो कभी मेरे साथ बैठ कर ड्रिंक करती नहीं हो ना, ड्रिंक करना ज़रूरी है क्या पूजा, देखो मुझे पसंद है तो बस इस वजह से, बाकी मैं कौन सा तुम्हें रेगुलर बेसिस पे कहती हूँ पीने के लिए। तो कहती है ठीक है बट जब भी तुम ड्रिंक करोगी सिर्फ मेरे साथ करोगे, अगर इस बात का मुझसे तुम प्रॉमिस करती हो तो ठीक है। कहती है ठीक है आई प्रॉमिस यू कि हम जब भी ड्रिंक करेंगे सिर्फ तुम्हारे साथ करेंगे और किसी के साथ नहीं। तो अक्की कहती है कि ठीक है और प्लीज़ ये लेट नाइट पार्टीज़ बंद कर दो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पूजा कहती है बोल तो दिया, कर तो दिया प्रॉमिस कि आइंदा मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, आई प्रॉमिस यू। तो अक्की कहती है कि थैंक यू, अगर तुम्हें मेरी इतनी बात समझ आ गई हो तो तुमसे ज़्यादा मुझसे ज़्यादा खुश नसीब कोई नहीं है। दोनों एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं, बाकी के दो दिन तीन दिन पूजा कोई पार्टीज नहीं करती, सारा टाइम सिर्फ अक्की के साथ होती है। धीरे धीरे पूजा में बदलाव आने लगते हैं, उसे कहीं भी जाना होता तो अक्की के साथ जाती, उसके फ्रेंड्स पार्टी के लिए कहते तो वो मना करती थी। धीरे धीरे एक महीना बीत गया था और पूजा में काफ़ी बदलाव था, ये देख के अक्की बहुत खुश थी। जॉर्डन जब भी पूजा को देखती तो कहती अक्की तूने पूजा को बदल दिया यार, सीरियसली मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तूने पूजा को बदल दिया। अक्की कहती है मैंने उसे नहीं बदला, उसने खुद अपने आप को बदल लिया, मैं कौन होती हूँ उसे बदलने वाली यार, मैं तो कोई भी नहीं होती, उसे नहीं बदलना होता तो वो कभी नहीं बदलती चाहे मैं कुछ भी कर लेती। तभी पूजा वहाँ आती है और
अक्की के गले में हाथ डाल देती है और कहती है आई लव यू। अक्की कहती है आई लव यू टू। कहती है क्या बात हो रही है दोनों में? कहती है कुछ नहीं, बस तुम्हारी शिकायतें। ओह मतलब मेरी शिकायतें भी होती हैं? तो अक्की हंस पड़ती है। पूजा कहती है अक्की मुझे तुमसे एक परमिशन चाहिए थी। अक्की कहती है परमिशन? कहती है हाँ, तुम्हें मुझसे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पूजा नहीं यार, इस मामले में तो परमिशन लेनी पड़ेगी। क्या हुआ बोलो? वो मेरे एक फ्रेंड का बर्थडे है तो हम एक पार्टी ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। मैंने उन लोगों से मना कर दिया कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी पार्टी करने। अब वो कह रहे हैं कि ठीक है जहाँ मुझे सही लगे मैं वहाँ पार्टी ऑर्गेनाइज कर लूँ। तो अक्की कहती है व्हाट डू यू मीन? मेरे घर में? कहती है अगर तुम चाहो तो, अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो नहीं ऑर्गेनाइज होगी। तब अक्की पूजा की तरफ देखती है और फिर सोचती है कि पूजा ने एक महीने से कोई पार्टी नहीं की, कहीं नहीं गई, हमेशा मेरे साथ रही है। कह रही है तो करवा देते हैं। तो पूजा को परमिशन दे देती है कि ठीक है कर लो पार्टी ऑर्गेनाइज। पूजा खुश हो जाती है और उसे गले से लगाती है और कहती है आई प्रॉमिस यू मैं बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं करूँगी, ठीक है, आई प्रॉमिस यू। तो कहती है ठीक है बाबा मत करना और मैं कोशिश करूँगी कि पार्टी में ड्रिंक वगैरह कम से कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक हो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगी किसी भी वजह से। तो कहती है कि ठीक है। ये कह के पूजा अक्की को फिर से हग करती और कहती है मैं फ्रेंड्स को बता के आती हूँ, जॉर्डन तुम भी आ जाना पार्टी में। तो जॉर्डन कहती है यार सॉरी मैं तो नहीं आ पाऊँगी। क्यों? मेरे पार्टनर का बर्थडे है। सीरियसली? तो उसे भी ले आओ ना। कहती है नहीं मुझे उसके साथ अकेले टाइम स्पेंड करना है तो मैं नहीं आ पाऊँगी। तो कहती है कि ठीक है भाई जैसी मर्जी। कहती है ठीक है तुम लोग आराम से एंजॉय करो, फिर मैं आके वापस तब मिलती हूँ तुमसे। पूजा कहती है ठीक है जॉर्डन। ये कह के पूजा वहाँ से चली जाती है। जॉर्डन अक्की की तरफ देखते कहते क्या बात है, हर एक चीज़ अब पूछ के की जा रही है। तो अक्की कहती है बहुत चेंज आया है पूजा में, आई होप ये चेंज ऐसा ही रहे। तो कहती है पूजा ना थोड़ी झल्ली है, केयरलेस है, जैसा भी हम बात कर रहे थे, बट शी लव्स यू अलॉट। अक्की कहती है या आई नो शी लव्स मी अलॉट। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, इन दोनों का प्यार और कितने रंग लाएगा, या कोई नया इम्तिहान आने वाला है पूजा की ज़िंदगी में, अक्की की ज़िंदगी में, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।